बुध ग्रह कुछ खास है इस ग्रह में। पता नहीं क्यों यह हमारा ध्यान आकर्षित करता रहता है। सूर्य के इतना नज़दीक होकर के भी यह ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। वैसे तो सौर मंडल में हर एक ग्रह की रचना काफ़ी ज़्यादा खास और आश्चर्यजनक है, परंतु बुध ग्रह की क्रिएशन अपने आप में ही खास है। बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुमान निकाला गया था कि ये ग्रह स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचा कैसे, क्योंकि सूर्य की इतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड और सोलर फ्लेयर और अरोमा के कारण इसका तो वजूद ही नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ढेरों समय और काफ़ी रिसर्च पेपर के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया, तो बहुत सारे थ्योरी सामने आए। मैं उनमें से आपको एक को बताऊंगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फ्लैट कॉस्मो। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह भी हमारे पृथ्वी अथवा शुक्र ग्रह के निर्माण के बाद ही बना था। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार जब वो दो प्लैनेट इंटरस्टेलर प्लैनेट ध्या और प्लैनेट एक्स हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हैं, तो उनमें से एक तो हमारी पृथ्वी से टकरा जाती है और हमारा चंद्रमा का निर्माण होता है, और दूसरा प्लैनेट एक्स शुक्र ग्रह से टकरा जाता है। और कहा जाता ये है कि वो टक्कर पृथ्वी के टक्कर से 20 गुना ज़्यादा थी। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक TNT का बॉम्ब है, उसका एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, तो 1 TNT इज इक्वल टू 4.184 × 10⁻⁹ जूल्स। और इसे कैलोरी में अगर करूँ तो वो होता है 1 × 10⁹ कैलोरीज। और अगर मैं इसे किलोवाट आवर्स में करूँ तो वो आता है 1.162 × 10³ किलोवाट आवर्स। ठीक है, अब मान लो 10 TNT का एनर्जी कैलकुलेट करने तो क्या करें, तो 1 जूल इज इक्वल टू 24 × 10⁻¹ TNT, तो 1 TNT इज इक्वल टू 1/24 × 10⁻¹ जूल। तो अब 10 TNT का एनर्जी जूल में कैलकुलेट करते हैं, वो होता है 10 × 1/24 × 10⁻¹ जूल्स। मैथमेटिक्स तो आती है ना, कैलकुलेट कर लेना। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है इस एनर्जी रिलीज गैप में। TNT दरअसल एक एक्सप्लोसिव मटीरियल है होती है जो कि बनती है टॉलिन से। टॉलिन को बनाया जाता है बेंजीन के प्रेजेंस में, जहाँ पे बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है मिथाइल क्लोराइड से, और ये रिएक्शन लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है, लुईस एसिड सच एस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो बेंजीन C6H6 प्लस CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड और थोड़े से हीट और लुईस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन होता है टॉलिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब इस टॉलिन को नाइट्रो ग्रुप से रिएक्ट करवाया जाता है, जहाँ पे NO2 से रिएक्ट करके ये ट्राई नाइट्रो टॉलिन यानी TNT का निर्माण होता है। तो चलो वापस चलते हैं, ये सब बस आपको समझाने के लिए था। तो प्लैनेट एक्स के टक्कर के कारण शुक्र ग्रह के भौतिक आकार को हिला के रख दिया, और बचा हुआ मलबा बुध ग्रह के निर्माण का कारण बना। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। जैसे हर यूट्यूबर की यही डिमांड होती है कि हर कोई उनके चैनल पे आए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करे। ये हर यूट्यूबर की प्राइमरी नीड है। हर कोई चाहता है कि वो पैसा कमाए, नाम, और यथार्थ मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मेरी भी आप सबसे यही डिमांड है। परंतु मेरी प्राइमरी डिमांड ये नहीं है मेरी वीडियो को कोई बहुत अच्छी रैंक मिले, ट्रेनिंग में जाए, ये सब तो वैसे ही हो जाएगा आपके प्यार और सपोर्ट से। लेकिन मेरी प्राइमरी डिमांड है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप इसे पूरा देखिए, मेरी प्राइमरी डिमांड है कि मेरे बनाए हुए हर एक वीडियो को हर वो बच्चा देखे जिसे विज्ञान से डर लगता है और अपना कैरियर खत्म कर लेता है गलत डायरेक्शन में मोड़ के, या फिर जेई में अच्छी रैंक नहीं मिली तो सुसाइड कर लेता है। देखिए मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ विज्ञान को एक अलग ढंग से फेस करना चाहता हूँ और जिसे 5वीं के बच्चे भी समझ सकें। तो सोचो कि विज्ञान कितना आसान है, और असल में विज्ञान बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन तो इसे एजुकेशन माफिया ने बना दिया। यहाँ पे शिक्षा का दान नहीं व्यापार होता है, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ अब और नहीं। तो जाइए मेरे प्लैनेट वीनस के सीरीज़ को देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए जय श्री राम।